हेलो एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला थोड़ा अलग, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं आपको इंदौर के सबसे प्रसिद्ध गणपति श्री खजराना गणेश मंदिर। तो आज हम आपको उनके दर्शन करवाने वाले हैं, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता है और इंदौर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखते हैं उसके बारे में जानकारी, जानते हैं क्या क्या वहाँ पे उसका क्या इतिहास रहा है। तो पूरी मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं दोस्त को, एक फ्रेंड है उसको पिकअप करते हैं उसके यहाँ से, देन वहाँ से हम जाएंगे खजराना गणेश मंदिर। तो दोस्तों सुबह के 7:30-8 बजे हैं और मैं निकल गया हूँ घर से और आपको मैं दर्शन कराऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ दोस्त को लेने और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं खजराना मंदिर। भैया से मिली है हमारे, लास्ट टाइम मिलवाया था इंडिया से। इधर चल रहा है इनका मार्केट। वाह वाह, बन रहा है, क्या बन रहा है? कौन है भैया? हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आज इंदौर में है महापौर पार्षद का चुनाव। आज वोटिंग चल, इधर इधर चलना है भाई। तो आज वोटिंग का सिलसिला चालू है, जाइए अपना मतदान कीजिए, अपने मत का उपयोग कीजिए। तो जगह जगह चुनाव के वोट डल रहे हैं, उसकी भीड़ लगी हुई है। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं तो यार। तो हमारी गाड़ी करते हैं यहाँ पार्क। और ये रहा पार्किंग एरिया और आगे सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर का शिखर। प्रसाद ले लेते हैं। चलो कैसे हसी। तो दोस्तों खजराना गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और मन्नत पूरी होने के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपर, मतलब उनकी पीठ के ऊपर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं भक्त और उनको मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। और मान्यता के अनुसार खजराना गणेश मंदिर की स्थापना कुछ इस तरह से हुई थी। यहाँ पर एक पंडित हुआ करते थे, स्थानीय पंडित, जिनका नाम था मंगल भट्ट। उनको सपने में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं आप मेरा मंदिर यहाँ पर बनवाइए। तो उस समय यहाँ की जो रानी थी वो थी अहिल्याबाई, होलकर वंश की जो महारानी थी वो थी अहिल्याबाई। तो पंडित ने अपना स्वप्न रानी अहिल्याबाई को बताया और महारानी अहिल्याबाई ने उनका सपने को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर खुदवाई करवाई। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान उनको श्री गणेश की प्रतिमाएँ मिली। उसके बाद से यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनको भगवान श्री गणेश उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनि महाराज का है। आपको साईं बाबा के भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे साईं मंदिर और शनि मंदिर भी है।
आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी ने दर्शन कर लिए होंगे और भगवान का आशीर्वाद ले लिया होगा। ये कुछ बाहर का एरिया है जहाँ पे कुछ सीटिंग वाला भी अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने, तो बाहर भी बहुत प्यारा लगता है। तो आइए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज हमने आपको भगवान श्री गणेश खजराना वाले के दर्शन करवाए, खजराना मंदिर जो कि इंदौर में है। लोकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।